क्या आप अपने पीरियड्स में सैनिटरी पैड्स के बिना रह सकते हो? नो नेवर नो नो नेवर एवर। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर पैड्स मौजूद नहीं है। तो आप महामारी में क्या इस्तेमाल करते हो? जैसे कपड़े वगैरह है ना, इनको धो धा के इनके ये यूज करते हैं, तो हम कपड़ा ही यूज कर लेते हैं। शुरुआत से तो कपड़े ही यूज किए हैं। तो आप पैड क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पैड ले नहीं पाते हैं, वो हमारे हस्बैंड हैं, वो काम करते रहते हैं, हम भी काम में बिजी रहते हैं, इसलिए अब वहाँ तक जाएंगे टाइम लगेगा, इसलिए हम नहीं वहाँ तक पहुँचते हैं, तो अपने कपड़े से ही कर लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से बाज़ार दूर है और कोई जाने वाला भी नहीं है घर पे, तो कपड़ा ही यूज कर लेते हैं। पापा घर पे हैं, उनसे बोलने में शर्म लगती थी, तो हम कपड़ा ही यूज कर लेते हैं। नहीं, गाँव में तो खाने पीने की दुकानें हैं, लेकिन पैड वगैरह नहीं मिलते हैं और दुकानें नहीं हैं। जैसे आप कपड़ा यूज़ करते हो तो गीला कपड़ा बार बार यूज़ करते हो, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती? फेंक देते हैं कपड़े वैसे, जैसे दूसरा ले लेते हैं। पहले क्या था कि कपड़े भी नहीं थे, तो उसको कपड़े में जैसे वगैरह ये राख वाख है, इसको भर के इसको राख को फेंक के सुखा के दोबारा ले लेते हैं। बताया क्योंकि गीले कपड़े रहते हैं और मतलब वो क्या नाम, साफ सफाई इतनी नहीं हो पाती, तो इन्फेक्शन हो जाता। तो आप पढ़े कहाँ तक हो? हम एट एट। आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे पढ़ना था पर महामारी के चक्कर में पढ़ नहीं पाए, और स्कूल जाते थे वहाँ पे दाग लग जाता तो दिक्कत होती थी, कपड़ा वपड़ा रखने में पैड मिल नहीं पाते थे, वहाँ से दूर पड़ता था। आप जब पीरियड होते हैं तो आप क्या स्कूल जाते हो? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती, मेरी मम्मा मुझे जाने ही नहीं देती। उससे ऐसा है, आपको लगता है कि आपका कोई क्लास छूट गया जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में नुकसान हो रहा है? हाँ, ऐसा हुआ है। कभी ऐसे हुआ है कि आपके पीरियड्स हुए हों और आपके पास पैड ना हो? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब मेरी फैमिली बाहर चली गई थी, तो फिर मैंने उसको दो हिस्सों में काट कर यूज़ किया था। आपको पैड आसानी से मिल जाता है? नहीं, मुझे पैड इजीली नहीं मिलता है। जब मेरे मम्मी या पापा बाहर गांव से बाहर जाते हैं तो वो मेरे लिए लेके आते हैं। मालती जैसी और लड़कियों की हेल्प के लिए एवर्टी ने एक इनिशिएटिव लिया है जो पीरियड केयर अडॉप्शन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आपके द्वारा बताए गए वो गांव जहां पर पैड दूर दूर तक अवेलेबल नहीं है, वहां पर एवर्टीन सैनिटरी पैड अवेलेबल कराएंगे। आपका एक शेयर एक लड़की को बीमारी से और उसके स्कूल छूटने से बचा सकता है। अगर या फिर कोई कंपनी आपको यहां पे पैड मुहैया करवाती है तो फिर आप लोग ये फिर आप इस्तेमाल करोगे उसका? हाँ, तो फिर कर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, जब मिलेगा तो कर लेंगे। हमें इससे दिक्कत है और जब हमको सुविधा मिलेगी तो हम जरूर करेंगे।